नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनहित। जनहित में आज बात होगी बिजली के संकट। दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, चुनाव का सीजन चल रहा है और ऐसे में जनता को बिजली का जोरों का करंट लग रहा है। बड़ी बात तो यह है कि 24 घंटे बिजली मुहैया कराने की बात करने वाले आज भी मौन धारण किए बैठे हैं। आलम यह हो गया है कि दिन में तो बिजली की कटौती होती, साथ ही साथ अब रात भर बिजली गुल हो जाती है। जब बिजली घर में फोन किया जाता है तो कर्मचारी फोन तक नहीं उठाना मुनासिब समझते हैं, और अगर उठा भी लेते हैं तो टाल मटोल कर देते हैं। ऐसे में जनता अपनी समस्या का हल मांगे भी तो किससे। जनहित में आज इसी पर बात करेंगे, जनता को चुनावी करंट। बिजली संकट गहराता जा रहा है और बड़े बड़े वादे होते हैं और उन वादों पर क्या होता है उसकी हकीकत की तस्वीरें बयान कर रही हैं। बिजली की डिमांड ऑल टाइम हाई है और लगातार गर्मियों में ये परेशानी देखने को मिलती है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि भाई इस पूरी समस्या से निदान कब मिलेगा। बिजली का संकट बना हुआ है, कोई भी अगर समुचित व्यवस्थाओं पे हम बात करें, लोग अब तो ये राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, राजधानी है और लगातार लोग बिजली की मांग करके ये और अब बात करेंगे जनता को चुनावी करंट। प्रदेश भर में गर्मी आते ही बिजली की मांग बढ़ती जाती है, वहीं दूसरी तरफ विद्युत विभाग के कर्मचारी और अधिकारी गर्मियों में आने से पहले बिजली संबंधित दिक्कतों को दूर करने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं। वादों की हकीकत तब सामने आती है जब प्रदेश भर में प्रतिवर्ष बिजली का संकट बढ़ता जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा पूर्व IAS है, वर्तमान में MLC हैं और योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं, उनकी तमाम तैयारियों को धरातल पर उतारने के संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन संकट तब पैदा होता है जब भीषण गर्मी यानी कि प्रदेश का पारा 40 डिग्री के पार हो जाता है और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में बिजली संकट पैदा होने लगता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी रहने वाले लोग बिजली कटौती से त्रस्त हो जाते हैं। दूसरी ओर ओवरलोड के चलते ट्रांसफार्मर में भी आग लगने की घटनाएँ सामने आने लगी है। वहीं बिजली कटौती से व्यापारियों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिजली कटौती से व्यापारियों को उनके व्यापार पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों से भी व्यापारी लगातार परेशान दिख रहे हैं। राजधानी में कई ऐसे व्यापारी भी हैं जिनके बिल 3 से 4 गुना ज़्यादा आ रहे हैं और व्यापारी लगातार बिजली विभाग के अधिकारियों से मिलने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। बात अगर लखनऊ की करें तो गर्मी के बढ़ते ही आग लगने का सिलसिला जारी है। ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, गाजीपुर के इंद्रानगर सी ब्लॉक में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखाई रहते हैं। ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह आसपास की दुकानों में चपेट आई। ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह से बगल बनी एक और दुकान पर भी आग लग गई। तो मतलब एक तरफ गर्मी, बिजली का संकट और बिजली ट्रांसफार्मर में आग लगे, तो फिर ये रोज़गार को भी बचाने का एक संकट है। लाखों रुपए, हज़ारों रुपए का लोगों की दुकान का नुकसान हो जाता है।
आज जो बिजली की समस्याएं हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये बिजली डिपार्टमेंट में इतनी व्यापक पैमाने पर धांधली चल रही है कि जैसे पहले के ज़माने में जैसे बिजली बिल आते थे तो आपको प्रॉपर बिल मिलता था, जो आप जमा करते थे तो उसकी रसीद बिल के साथ निकलती थी। आज की तारीख में केवल ये रसीद देते हैं, इनके वहाँ से बिल निकलना बंद हो गया। आप किसी भी कंज्यूमर को लिए केवल आपको जमा करने की रसीद मिलती है, जिसमें कोई मेंशन नहीं होता है कि आपने किस रीडिंग तक जमा किया, किस डेट तक जमा किया, केवल उसमें अमाउंट शो करता है और कर दिया है, जो कि एक घपले का सबसे पहला चरण है। कि दूसरा कि जैसे मैं जनरल मेरे यहाँ 15-20 किलो का एक सोलर लगा है और मेरा अनुमान जो गर्मी में भी बिल आता था 30-27 हज़ार, 28 हज़ार, बहुत मैक्सिमम 37 हज़ार, इस महीने का मेरा बिल 84 हज़ार रुपये का बिल है। और चूंकि मैंने SDO साहब से उसकी कंप्लेन भी किया तो उन्होंने कहा मैं जांच करा लूँगा, और दूसरे दिन मतलब जांच कैसे क्या हुई मुझको नहीं मालूम, लेकिन दूसरे दिन जब मैंने ही फ़ोन कर पता किया उन्होंने कहा जाँच कर लिया बिल्कुल ठीक है। मतलब कि 87 हज़ार कैसे आ गया, ठीक है आ सकता है ज़्यादा चलाओगे, लेकिन कम से कम समझाने वाला कोई हो उस बिल में कि कैसे आया, कोई समझाने वाला नहीं है। वैसे तो व्यापारी अभी बुरी तरह से हर समस्या से जूझ रहा, जैसे कि बिजली समस्या है, कारोबार कम है, पर पता नहीं सरकार बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बड़े बड़ी चीज़ें बोलते हैं, वो ज़मीनी ज़मीनी ज़मीन में दिखता नहीं है। अब जैसे सुबह से 3 बार ऑलरेडी लोड शेडिंग हुआ है, अब व्यापारी अपने व्यापार में ऑलरेडी परेशान है तो क्या वो फिर जनरेटर लगा कर उस पर लागत बढ़ाए, अपनी कॉस्टिंग बढ़ाए, अभी 3 बार सुबह से 3 बार लाइट कटी, आप देख रहे हैं हमें बिना इलेक्ट्रिक का हमारा काम नहीं होता। तो इस तरह से सरकार बस बड़ी बड़ी बातें कर रही है, पर यदि आप धरातल में देखेंगे तो हर एक व्यापारी से यदि आप पूछेंगे तो व्यापारी 70% परेशान आपको दिखेगा। बिजली संकट की तो बहुत बड़ी समस्या है ये, और मैं तो घर में रहता हूँ, मेरे कोई बिजनेस में तो है नहीं। रात को, कल रात की ही बात है, मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन उठाया नहीं, कई बार फ़ोन किया मैंने, तो मैं कोई कर्मचारी फ़ोन नहीं उठाता, तो फिर मैं रात में ही गया वहाँ पे पावर हाउस, उसके बावजूद भी कोई मिला नहीं, जे ही फ़ोन उठाते नहीं हैं और जे ही कभी फ़ोन नहीं उठाते, दिन में जाओ तो दिन में मिलते नहीं हैं, और कहीं ट्रांसफार्मर फूक जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, बताते आधे घंटे में आ जाएगी तो 2-2 घंटे हो जाते हैं, लाइट आती नहीं है। जहाँ तक बिजली संकट की बात है तो दिन पे दिन और ये संकट बढ़ता जा रहा है, और जो मेरा व्यापार है, मेरा प्रिंटिंग का वर्क है, जैसे फ्लैक्स छापना, पेपर छापना, ये मेरा काम है, और मेरे मशीन पे कम से कम 10 से 12 एम्प्लाई भी हैं। तो जब मैं अपना व्यापार बिजली की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ तो अपना व्यापार बढ़ाऊँगा कैसे, अपने इम्प्लाइयों को सैलरी कहाँ से दूंगा। बिजली की समस्या तो सबसे बड़ी समस्या है, सरकार से कोई बात कहो, शिकायत करो तो सरकार मुद्दा विहीन है, सरकार के पास जाओ या अधिकारियों के पास जाओ कोई सुनता नहीं। अभी आप कंप्लेन करिए कि इस क्षेत्र में बिजली इतने देर से नहीं है, कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं है, केवल CUG नंबर अधिकारियों को दिया गया, कोई अधिकारी CUG नंबर नहीं उठाता, कहीं ट्रांसफार्मर फूंक जा रहा है उसका कोई जवाब नहीं है, कब बिजली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर क्षेत्र में, और देखिए बात करते हैं बिजली के संकट को लेकर। बिजली के संकट से लगातार किसान पूरी तरह से परेशान है, और किसानों के साथ साथ जनता भी पूरी तरह से परेशान है, बिजली ना आने से त्राही त्राही जनता कर रही है। और अगर फसल की बात करें तो फसल पूरी तरह से किसानों की, जैसे मक्का की फसल की बात करें या धान की फसल की बात करें, पकी हुई ठाड़ी हुई है, लेकिन बिजली ना आने की वजह से पूरी तरह से सूख रही है। और क्या नाम है दादा? कुमार शर्मा है। बिजली को लेकर किस तरह की परेशानी आ रही है? बिजली के तो वोल्टेज तो बिल्कुल आ ही नहीं रही है जी, पूरे दिन बंद रहती है, रात को बिजली आती नहीं है, और जो आती है तो वो गांव की आती है और जंगल की आती नहीं है। कीड़े लग रहे हैं सर बहुत, वो परेशानी हो रही है, रोज दवाई लगा रहे हैं और उसके बाद भी पानी नहीं है बिल्कुल भी, इतने परेशान है बिकट सभी किसान। अच्छा, बिजली को लेकर किस तरह की समस्या है? बिजली की समस्या ये है साहब के बिजली एक तो समय पे नहीं आ रही, और पूरी जितनी बिजली आनी चाहिए उतनी बिजली नहीं आ रही, बिजली जो आ रही है बहुत लो वोल्टेज आ रहे हैं, जिससे किसानों को सिंचाई की जो समस्या है वो गहरा रही है, संकट जबरदस्त है, फसल सूख रही है, और अगर फसल सूख रही है तो किसान क्या करेगा जी, बताओ मुझे। उनके लिए इतनी बड़ी दिक्कत आ रही है जी कि अगर हम जंगल में भी चले जाएं तो जंगल में एक तो घर से जाएं कब बिजली आ जाए, और बिजली भी आती ना है, जंगल से घर आएं, घर से आएं, और छोटे बच्चों का तो बुरा हाल है जी, घर पर बहुत बड़ी परेशानी आ रही है, थोड़ी बहुत देर 5 मिनट को लाइट आवे और 1 घंटे को चली जावे। देखो जी सबसे बड़ी बात तो घर से नहीं बच्चों को निकलने दे रहे, और बच्चों की अब कल से छुट्टियां भी हो गई तो बच्चे घर पे ही हैं, और बीमारी तो आपको क्या बता मैं, टेम्परेचर इतना है 45-46 का टेम्परेचर है, बाहर निकलने बेईमानों के बच्चों के अगर बचाना है तो हम बच्चे घर में रखने पड़ रहे हैं, और अगर बिजली आए तो बच्चे कम से कम आराम तो कर लें। देखिए हमारे साथ
लोग मौजूद थे, जनता के जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा बिजली को लेकर, मासूम बच्चों की बात करें कि जिस तरह हीट वेव है चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं बिजली विभाग के अधिकारियों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, जबकि अधिकारी झूठे ही दावे खोखले कर रहे हैं कि बिजली 24 घंटे दे रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो बिजली 4 से 5 घंटे आ रही है, और वो भी जो किसानों का कहना है वो सिर्फ जो बिजली आ रही है वो 2 फीसों में आ रही है, तो उसको लेकर किसानों की जिस तरह से फसल सूख रही है वो भी एक चिंता का विषय किसानों के माथे पर बना हुआ है, और किसानों की जिस तरह से अगर फसल सूख जाती है तो आखिरकार किसानों की भरपाई कैसे होगी और आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये तो देखना होगा कि बिजली विभाग के लोग किसानों की जो समस्या है उसको दूर कर पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल किसान और जनता पूरी तरह से बिजली को लेकर परेशान है। अनिल मीना, के एन इंडिया, बुलंदशहर। अब आपको एक ट्वीट दिखाते हैं, वो ट्वीट है पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के जनसंपर्क अधिकारी का, डॉक्टर आशुतोष का। उन्होंने लिखा, यूपी में बिजली खपत का नया रिकॉर्ड बना है, एक दिन में 58.80 करोड़ यूनिट बिजली की आपूर्ति, एक दिन में यह सर्वाधिक आपूर्ति है। तीन सितंबर 2023 को हुई थी सर्वाधिक बिजली की आपूर्ति। इस साल 31,000 मेगावाट के पार जा सकती है यूपी में बिजली की मांग। सितंबर 2024 में 31,917 मेगावाट की मांग हो सकती है। मई में 28,291 मेगावाट हो सकती है बिजली। जून में 29,853 मेगावाट हो सकती है बिजली। और ये तो बात हो गई किस राज्य को कितनी बिजली चाहिए, पारा भी बिल्कुल हाई है, और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए अलग अलग जिलों से रिपोर्टर भी है, और मनीष पांडे जी रजिस्ट्रेशन एडिटर हैं यूपी के, वो भी जुड़ चुके हैं। सीधे चलते हैं मनीष के पास। लखनऊ हो या हो बुलंदशहर, बात एक ही है कि भैया ना फ़ोन उठता है, ना समय पर रिप्लाई आता है, और किसी से कुछ पूछ लो तो बिल बढ़ जाएगा, और गर्मी में ना एसी चल रहा है ना कूलर, हाथ वाला पंखा ही काम आ रहा है। मनीष भाई, क्या करने बैठे हैं? दरअसल है क्या कि पूरी दुनिया को पता है, उत्तर प्रदेश को पता है, उत्तर प्रदेश सरकार को पता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पता है, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री को पता है, सबको पता है कि अप्रैल मई जून जुलाई ये जो तो 3 महीने हैं 4 महीने हैं इसमें उत्तर प्रदेश में बर्फ़ नहीं पड़ती है, गर्मी पड़ती है, और जब गर्मी पड़ती है तो जाहिर सी बात है बिजली की डिमांड ज़्यादा होगी, बिजली की डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी व्यवस्था करनी होती है।
सरकार इस व्यवस्था में तो लग जाती है कि जैसे अभी आपने दिखाया कि करीब 31,000 मेगावाट की बिजली की जरूरत हो सकती है, 32,000 मेगावाट की जरूरत हो सकती है, 30,000 मेगावाट की जरूरत हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश की में जो इस समय स्थिति है, जो उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग के पास जो है बिजली मिल रही है, वो 27,500 से लेकर 28,000 मेगावाट तक की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने कर रखी है, जो उत्तर प्रदेश के लोगों को बिजली देनी है, लेकिन जो डिमांड है वो करीब 30,000 मेगावाट तक है। अब समस्या यहीं शुरू हो जाती है, भाई आप जो 1,000 मेगावाट 2,000 मेगावाट की जो जरूरत है, पहले तो आपको उसे पूरा करना है, वो ऊर्जा विभाग पूरा कर नहीं पाता है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो आज लोग परेशान हैं, बिजली की लाइनें ट्रिप हो जा रही हैं, बिजली पहुंच नहीं रही है, कहीं फॉल्ट हो जा रहा है, कहीं ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं, सिस्टम का अपग्रेडेशन जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, चाहे जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो सिस्टम का अपग्रेडेशन है वो पूरी तरह से नहीं हुआ। हालांकि मैं आपको बता दूं, गर्मी के पहले सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, उन्हें इस बात की चिंता थी, इसके लिए उन्होंने पर्याप्त मात्रा में बजट भी दिया, और हर एक डिवीजन को, मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक डिवीजन, बिजली विभाग का एक एक डिवीजन होता है, मतलब एक डिवीजन का मतलब एक समझिए एक एरिया हो गया, एक खंड हो गया, एक पर्टिकुलर एरिया होगा एक डिवीजन का, एक एक डिवीजन को 5-5 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से दिए भी जाते हैं कि आप अपनी व्यवस्था, भाई बिजली अगर पावर हाउस से सब स्टेशन से चल रही है, अगर हमारे घरों में आ रही है और रास्तों में जो तार जो हैं वो जर्जर हो चुके हैं, बदले जा नहीं जा रहे हैं, पुराने हो गए हैं, तो फॉल्ट तो होगा ना। ट्रांसफार्मर अगर पुराना लगा हुआ है तो ट्रांसफार्मर अगर 100 किलोवाट के लोड का लगा हुआ है और वहाँ पर जो है 150 किलोवाट बिजली की खपत है, तो ट्रांसफार्मर तो जल जाएगा ना। तो ये समस्या सबसे बड़ी है और इसकी वजह से आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, और दुर्भाग्य से इसी गर्मी में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, तो अब इस व्यवस्था को ठीक करने की बात हो रही है। हालांकि अभी मैंने एक दो दिन पहले पढ़ा था कि 800 मेगावाट का के 3-4 प्लांट उत्तर प्रदेश में और लगने वाले हैं, उत्पादन क्षमता बढ़ी जानी है, लेकिन फिलहाल उत्पादन क्षमता पर अगर हम जाएंगे और बिजली की खरीद फरोख्त पर जाएंगे तो एक बहुत बड़ा खेल है, उसमें अभी हम जाना नहीं चाहेंगे। सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो हमारे पास सप्लाई की व्यवस्था है वो व्यवस्था ठीक नहीं है। एक छोटा सा और आंकड़ा मैं बता दूं विशाल आपको कि जो हमारे पास करीब जो लोड है, जैसे आप है ना, आप एक पर्टिकुलर बिल्डिंग बनवाते हैं, बिल्डिंग में अगर मान लीजिए आपको कनेक्शन लेना है या आप अपने घर में कनेक्शन लेना है, तो आप जाते हैं 1 किलोवाट 2 किलोवाट 3 किलोवाट 4 किलोवाट 5 किलोवाट की अपनी ज़रूरत के हिसाब से कनेक्शन लेते हैं। जो उत्तर प्रदेश में अभी तक जो डेटा है, जो ऑफिशियल डेटा है, वो ऑफिशियल लोड का जो डेटा है वो 7 करोड़ 38 लाख का है, मतलब 7 करोड़ 38 लाख मेगावाट का जो लोड का डेटा है वो मतलब सरकारी आंकड़ों में दर्ज है, लेकिन जो सप्लाई का इनका आंकड़ा है, मतलब जिस हिसाब की इनकी लाइनें हैं उस हिसाब से इनके पास, इनकी लाइनें 5 करोड़ 68 लाख तक के लोड ही उठा सकती हैं। तो आप बताइए, जब दो ये जब क्षमता ही नहीं होगी तो फिर बाकी व्यवस्था कैसे सुधरेगी। और हालांकि कोशिश की गई थी कि इस व्यवस्था को सुधारा जाए, लेकिन ऐसे ही नहीं कहते हैं उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में सबसे अगर भ्रष्ट कहीं व्यवस्था है तो बिजली विभाग की है। तो फिलहाल 5-5 करोड़ रुपये, जैसे मुझे पता चला कि डिविजन्स के लिए दिए गए थे, लेकिन उससे जो लाइन, जो पुरानी लाइनें थी वो बदली जानी थी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां काम भी कर रही होंगी कुछ इलाकों में, लेकिन गर्मी के पहले उन्हें ख़त्म कर देना था। लेकिन बस वही है कि सरकार ने पैसा दे दिया, जो सिस्टम बना हुआ है वो पैसा उनके पास पहुँचा, उन्होंने टेंडर कराए। मॉनिटरिंग की व्यवस्था अगर ठीक ठाक रही होती तो मुझे लगता है कि आज जो हम और आप ये बैठ के चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जो थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है उसे कहीं ना कहीं जो है ठीक कर लिया जाता, लेकिन बस गड़बड़ी यही हो गई कि जो लोड है, लोड के हिसाब से जो है लाइनें हमारी नहीं है, और लाइनों का जो सिस्टम के पहले जो ठीक होना था वो व्यवस्था ठीक नहीं है, इसकी वजह से अगर अंडरग्राउंड मचा हुआ है, कोई रूपरेखा नहीं है चीज़ों की। अगर अंडरग्राउंड लाइन डाली जा रही है तारों की, तो डाली ही जा रही है, अब वो चुनाव में ही डाली जा रही है। मैं तो देख रहा हूँ, तो कई जगह मेरे घर के आसपास वहाँ पर खंभे गिरने की हालात में हैं, लेकिन कई बार तो हम लोगों ने कहा कि भाई तार बहुत नीचे हो गए, इनको देखिए ज़रा, अभी तो कोई आया नहीं है, वो बाकायदा वो हाई टेंशन लाइन है, लेकिन उसको केसा से कोई देखने नहीं आया जो बिजली विभाग से। और सबसे बड़ी दिक्कत आपने ओवरलोड की बात करी, जो 2.5 करोड़ या 2 करोड़ का जो आंकड़ा है जो ओवरलोड है,
हम बात करते हैं कि भाई इस पुलिस चौकी में मीटर नहीं लगा, इस सरकारी विभाग में मीटर नहीं लगा, यहाँ का 4 करोड़, यहाँ का 2 करोड़, नगर निगम और फला का 1-1 करोड़ रुपया बाकी है, और हम बात करते हैं इनको बिजली नहीं है। तो आजकल तो सबके घर में लग गए हैं भैया स्मार्ट और डिजिटल मीटर, आप 100 रुपये का रिचार्ज कराइए, 90 रुपये की बिजली जलाइए, 10 रुपये मैसेज आ जाएगा, फिर 100 का करा लीजिए। तो सबसे पहले तो ये चीज़ तो आपको इन सरकारी दफ्तरों में कर देना चाहिए था, जिससे बिजली की खपत कम होती, वरना बाबू चले गए और एसी चला के छोड़ गए। विशाल, आप देखो, अब जहां तक प्रीपेड मीटर्स की आप बात कर रहे हो, प्रीपेड मीटर, मीटर में बिजली सीधे सैटेलाइट के थ्रू तो नहीं आएगी ना। बिजली तो वो जो लाइनें हैं, जो लाइनें पड़ी हुई हैं, जो तार है उसी तार के थ्रू आएगा मीटर तक ना, और मीटर के बाद आप बिजली का उपयोग करेंगे। तो जब सप्लाई ही चालू नहीं रहेगी तो आप प्रीपेड रखे रहिए, प्रीपेड में बैलेंस रखे रहिए, क्या कर सकते हैं। और बाकी ये जो बड़े बकायदा, देखिए लाइन लॉसेज, बिजली चोरी, ये तमाम चीज़ें हैं, इसे भी ठीक किया जाना चाहिए और काफ़ी हद तक ठीक हुआ है, सुधार किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो सिस्टम की समस्या है। जब तक सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा तब तक हर साल, मैंने बताया ना कि अप्रैल मई जून जो है ये ठंड का महीना तो होता नहीं है, बर्फ़ नहीं पड़ती है, उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी पड़ती है, और इस गर्मी के से बचने के लिए पब्लिक के पास बस एक ही सहारा है कि अगर उन्हें बिजली मिलती रही तो थोड़ा सा वो सहूलियत से थोड़ा सा उनका जीवन यापन का जो तरीका होता है वो ठीक हो जाता है। लेकिन समस्या यही है, हर सबको पता होता है कि हर साल अप्रैल मई जून में ये समस्या आएगी, उसके लिए तैयारियां भी की जाती हैं, लेकिन वो तैयारियां धरातल पर दिखाई नहीं पड़ती हैं। मतलब 5-5 करोड़ रुपए एक एक डिवीजन को दिए गए, अब ये मॉनिटर करने की ज़रूरत है ना, ये देखने की ज़रूरत है ना कि 5 करोड़ रुपया अगर दिया गया था कि अप्रैल के पहले इस डिवीजन की जो बिजली की विभाग की जो लाइनें हैं वो दुरुस्त हो जानी चाहिए, तो क्यों नहीं हुई? माननीय मंत्री, पता चलेगा, आप जाएंगे पता चलेगा कि कंपनी एक बहुत बड़ी, ऊर्जा विभाग हमेशा शर्माओं का बोलबाला रहा है। हम ऊर्जा विभाग की बात करें तो हमेशा शर्माओं का ही बोलबाला रहा है, और दोनों का अहम फैक्टर था, एक मथुरा से तो ये मऊ से हैं, और दोनों के पास एक आया तो उन्होंने क्रांति लिख दी, उन्होंने सब कुछ डिजिटल कर दिया और बड़ा अच्छी व्यवस्था करी। और रियाले शर्मा जी आए तो इन्होंने थोड़ा देखा कि पहले तो बड़ा है कि मैं यूपी में बिजली व्यवस्था सुधार दूंगा, सब चीज़ें A1 हो जाएगी, एक हफ्ते शुरुआती एक महीने तो इन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड भी सोशल मीडिया पर डाल दिया, लेकिन उसके बाद हमें लगता है वो भी व्यवस्थाओं का शिकार हो गए और उनको भी वहाँ के लोगों ने, उनके अधिकारियों ने उलझा दिया। आजकल वो सब चीज़ें दिख भी नहीं रही हैं, बस ये कह रहे हैं 3 महीना दीजिए, जब सर्दी आ जाएगी तो हम पूरी आपूर्ति कर देंगे। भूल जाएंगे ना, सर्दी आने के बाद तो भूल जाएंगे ना, तो खपत कम हो जाएगी सब, तब घर में 4-4 AC थोड़े लगेंगे, 3-3 AC 4-4 AC थोड़े चलेंगे। जहाँ तक देखो विशाल शर्मा जी की जहाँ तक बात है, श्रीकांत शर्मा, यही व्यवस्था थी। श्रीकांत शर्मा के जाने के बाद ऐसा नहीं है कि अरविंद कुमार शर्मा ने काम नहीं कराए हैं, काम हो रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम जो है वो सिस्टम साथ नहीं दे रहा है, जो नीचे के लोग हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं। भाई शर्मा, AK शर्मा तो खंभा गाड़ने नहीं जाएंगे ना, AK अरविंद कुमार शर्मा भाई योजना बना सकते हैं वहाँ बैठ के कि भाई अगर लाइन लॉस हो रहा है तो लाइन लॉस कम किया जाए, अगर कहीं बिजली के तार जर्जर हैं तो उन्हें बदलवा दिया जाए। हमने सिस्टम की बात की, सिस्टम में पूरा का पूरा नीचे से ऊपर तक का सिस्टम आ जाता है। सिस्टम में ऊपर MD से लेके और नीचे जो सबसे निचले पायदान पर लाइन मैन और JEE काम करते हैं वो आ जाते हैं। तो इन सब की व्यवस्था जब तक आप दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं होने लगी। आप किसी भी पावर हाउस में चले जाइए, किसी भी सब स्टेशन में चले जाइए, आप वहां जाकर अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे अगर 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो 10 में से 8 संविदा वाले हैं। संविदा वालों की क्या समस्या, कि संविदा वालों को समय पर सैलरी नहीं मिल रही है। संविदा वालों की समस्या क्या है कि अगर उनकी किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो राज्य के कर्मचारी नहीं है तो उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलना है। तो ऐसी पूरी जो एक लचर व्यवस्था है इसको ठीक करने की जरूरत है। श्रीकांत शर्मा के समय में क्या था, श्रीकांत शर्मा के टाइम में श्रीकांत शर्मा खुद चीजों को मॉनिटर करते थे, उनका एक ही लक्ष्य था कि उन्हें उत्तर प्रदेश का ऊर्जा मंत्री बनाया गया है तो ऊर्जा विभाग सही ढंग से चलना चाहिए। वो खुद दफ्तर में बैठते थे, एक एक चीजों की मॉनिटरिंग करते थे, उन्होंने जिम्मेदारियां दे रखी थी। अगर सोशल मीडिया पर, फेसबुक या ट्विटर पर कोई अगर एक ट्वीट भी कर देता था तो उसका रिप्लाई तुरंत आता था, उसका समाधान किया जाता था। आज हम और आप ट्वीट करते हैं तो तुरंत जो है मध्यांचल विद्युत निगम से, हफ्ते में 4 दिन कर रहे हैं, वो सिस्टम का वही हिस्सा है। तो वो आपका
मैं बिल्कुल मैं खुद कर रहा हूँ, मैं खुद उन समस्याओं से जूझता रहा हूँ और देखता रहा हूँ कि किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर दिक्कत है। अब जैसे आपने मेरा नाम ले लिया, मेरे अगर मैं अपने जहाँ रहता हूँ मेरे घर के आसपास जो इलाके में है जो बिजली की व्यवस्था वहाँ ठीक नहीं है, वहाँ के तार पुराने थे, जर्जर हो चुके थे, बदले जाने थे, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर सारी चीज़ें आके रखी हुई हैं, केबिल रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है, ट्रांसफार्मर जो नया सेंक्शन हुआ है उसकी जानकारी है, हमारे लगाने वाला कोई नहीं है, तार नए आके रखे हुए हैं, बदलने वाला कोई नहीं है, जिस ठेकेदार को काम दिया गया है वो ठेकेदार काम करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसने नीचे अपने पेटी पे कॉन्ट्रैक्टर दे दिया है। अब पेटी वाला क्या करता है कि भाई अरे इन्होंने 1 करोड़ का काम लिया था, मैंने तो 80 लाख रुपए में लिया है, तो 20 लाख तो ये अपना मार्जिन ले गए, अब 80 लाख का काम मुझे करना तो मैं अपने हिसाब से करूंगा। अब बेचारा परेशान कौन हो रही है, बेचारी पब्लिक हो रही है, कोसे कौन जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये लोग कोसे जा रहे हैं। तो दिक्कत बस यही है, दिक्कत उन अफसरों की है जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। अब दिल्ली से एक साहब आए, पता चला कि उन्हें पावर कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनाया गया आशीष गोयल साहब, अब ये लगा कि अब सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी क्योंकि इसके पहले जो आलोक कुमार रहे, चाहे उसके पहले जो एम देवराज रहे, बताया गया कि हाँ चलो वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उनका ध्यान इस व्यवस्था पर नहीं है। अब ये हुआ कि गोयल साहब आएंगे तो स्थिति ठीक हो जाएगी, गोयल साहब आए फिर भी वही स्थिति। होता क्या है ना कि जैसे मैंने किताब में पढ़ा था कि अगर एक अच्छे से अच्छा इंसान भी जो है दुष्टों के समूह में चला जाए तो जो दुष्ट हैं वो या तो उसे दुष्ट बना देंगे या तो अपने समूह से बाहर कर देंगे। बिल्कुल, तो वही वो समूह से बाहर ही हैं, किसी को हकीकत बताई नहीं जा रही है, हकीकत पता ही नहीं है। अगर हम दोनों तरफ बात करें ना तो हकीकत पता ही नहीं है। आप बने रहिए हमारे साथ, यहाँ पर एक वक्त है एक ब्रेक का, हम लोग बात कर रहे हैं और अन्य जिले से हम रिपोर्टर लेते हैं। हमारे साथ राहुल मिश्रा प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, सारिका गुप्ता कानपुर से, अनिल मीणा बुलंदशहर से और राजू शर्मा मेरठ से। सबसे पहले सारिका गुप्ता के पास चलते हैं। सारिका, एक कानपुर से खबर आई थी, कटिया मूवी आई थी, मैं बहुत दिनों पहले देख रहा था, कटियाबाज कानपुर पे ही बनी थी और बिजली व्यवस्थाओं को लेकर बनी थी, जो वहाँ पर चीज़ें हुआ करती थी और सेम मुझे हालात आज भी लगते हैं जो मैंने उन पिक्चरों में देखे। मैं वो रास्ते निकलता हूँ तो जब केस्को के ऑफिस से, तो मुझे लगता है कि वही सेम चीज़ें अब भी हो रही हैं। लोग परेशान बहुत हैं, आजकल डिजिटल युग है तो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, उस समय डिजिटल युग कम था तो लोग सड़क पर उतर आते थे। सारिका, बिल्कुल, जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप शहर में पड़ रहा है, शहरवासी परेशान है, उसी तरीके से बिजली का जो है उनको, शहरवासियों को दो मतलब डबल इंजन के जिस तरीके से कहा जाता था सरकार है, उसी तरीके से डबल समस्याओं का सामना जो है शहरवासियों को करना पड़ रहा है। एक तरफ आसमान से बिजली गर्मी बरस रही है तो वहीं पर बिजली भी लोगों को नहीं मिल रही है, लोग बहुत परेशान है। अगर मीटर चलाते हैं या फिर बिजली का प्रयोग करते हैं तो बिल भी काफी लंबा आता है और ऐसे में जब वो शिकायत करने के लिए जाते हैं बिजली नहीं आती है, घंटों नदारत रहती है, और जब कैस्को के अधिकारियों के पास शिकायत करने के लिए जाते हैं तो फोन नहीं उठता है, फोन नहीं के साथ साथ अधिकारी भी नदारत रहते हैं और कहीं ना कहीं एक नया बहाना बना देते हैं कि अपडेटिंग सिस्टम है वो कानपुर शहर में चल रहा है। कैस्को जो है अपने स्मार्ट मीटर और जो रिचार्ज के मीटर है, प्रीपेड मीटर है, उनको चेंज कर रहा है, एक नई कंपनी से उन्होंने टाई अप कर लिया है और लगभग अभी इस प्रोसेस में 3 महीने का समय जो कि लगातार चल रहा है और अभी भी 3रा महीना चल रहा है, ये पूरा महीना जो है कानपुर में अपडेटिंग का जो काम है कैस्को द्वारा वो कराया जा रहा है, तो इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं जो शहरवासियों को झेलनी पड़ रही हैं। ट्रांसफार्मर अगर बातचीत करी जाए तो 900 ट्रांसफार्मर हैं जो अब तक इस गर्मी में जल चुके हैं, जलकर राख हो चुके हैं और कैस्को अब उनको बदलवाने के समय पर घंटों इंतजार करवाता है, घंटों उस क्षेत्र की लाइट नहीं आती है। ये जो समस्याएं हैं ये लगातार इस गर्मी में देखने को मिल रही हैं। इसके साथ ही जो लोगों के घरों का जो मीटर है वो भी तेजी से भाग रहा है क्योंकि हाँ गर्मी में लोग एसी का प्रयोग कर रहे हैं, एसी का प्रयोग करने से जो लोड है वो अधिक पड़ रहा है और जब लोड ट्रांसफार्मर पर पड़ता है अधिक तो फिर ट्रांसफार्मर धू धू करके जलने लगता है, तो कहीं ना कहीं ये भी हवाला जो है कर्मचारी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कानपुर कैस्को की ये है कि कानपुर कैस्को के कर्मचारी खुद तो एसी में रहते हैं उसके बावजूद जब दिन में उनको शिकायत करनी होती है तो फोन नहीं उठाते हैं, जब लोग उनके पास ये फोन ना उठाए। अगर कैस्को एमडी की हम बात करें, हम सीधे अब हर आदमी तो कैस्को एमडी तक नहीं पहुंच सकता, हर आदमी के पास नंबर तो मिल जाएगा सीयूजी, वो उठे ना उठे, क्योंकि सीयूजी नंबर जब इन पावर स्टेशनों का नहीं उठ रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कैस्को ने रणनीति बनाई? क्योंकि अगर आप ट्वीट भी कर दीजिए तो उस पर आपका नाम पता एड्रेस पूछ के ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है जाँच।
बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से आपने बताया ऐसा सिर्फ इस बार नहीं हो रहा है, कई बार से ऐसा होता चला आ रहा है। गर्मियों में जो अधिकारी हैं उच्च अधिकारी तक जब जनता नहीं पहुंच पाती है तो पहले यहां पर सड़कों में उतर जाते, लोग की प्रदर्शन करते थे, आक्रोश व्यक्त करते थे, लेकिन अब जैसे स्मार्ट पद्धति पे लोग चलने लगे, आधुनिकीकरण हो गया है, तो लोग जो है ना फोन पर डिपेंड हो गए हैं। हालांकि अगर फोन नहीं उठाएंगे तो बहुत मुश्किल से, जब घंटों किसी के घर में लाइट नहीं आएगी तो फिर वो कैस्को का रुख करेगा, और कैस्को का जब वो रुख करेगा तो फिर कैस्को एमडी से मुलाकात होना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि कैस्को एमडी खुद नहीं रहते हैं अपने चैम्बर में, उसके अलावा जो उनके नीचे के जो अधिकारी हैं उनके पास ट्रांसफर कर दिया जाता है कि उनसे मिल लीजिए, फिर वो नया बहाना बना देते हैं। तो इस तरीके का कानपुर कैस्को में जो ढर्रा है वो लगातार चलता चला आ रहा है, और यही वजह है कि बिजली की शिकायत करने के बावजूद भी उनकी शिकायतों का निस्तारण नहीं होता है, और लोग आज भी बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। बिल्कुल, राजू शर्मा हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं, मेरठ में भी पारा लगातार हाई है। राजू, आपका रुख करेंगे किस एक से, मेरठ में क्या हालात है? मेरठ में अगर बात करें हम तो लोग वैसे ही परेशान हैं गर्मी से, और वहाँ पर बिजली की समस्या बड़ी गहरा रही है। मैं आज देख रहा था ठाकुरगंज की एक कोई इलाका है, वहाँ पर लोग बड़ा आक्रोशित थे इसको पूरे लेकर। अगर हम सरदना की बात करें, वहाँ पर एक चौकी में लोगों ने शिकायत कर दी कि भाई ये बिजली देते नहीं, फ़ोन उठाते नहीं, और फ़ोन जब करो और या उनसे मिलने जाओ तो मारपीट तक करने लगते हैं पावर हाउस में, तो पब्लिक बड़ा आक्रोशित है। बिल्कुल, देखिए विशाल, उत्तर प्रदेश के हर जिले की स्थिति यही है। मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में भी ये जो बिजली का संकट है वो गहराता जा रहा है, लगातार जो आम जनता है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरी रात केवल और केवल जो लोगों को रात जो है वो जगकर गुजारनी पड़ रही है, और लोग उम्मीद करते हैं कि लाइट अब थोड़ी देर बाद आएगी, आधे घंटे बाद आएगी, एक घंटे बाद आएगी, और अधिकारियों के जो नंबर है वो मिलाकर समाधान की बात करते हैं तो जो नंबर है वो या तो मिलते नहीं है या फिर बंद मिलते हैं। उसके बाद अगर कुछ लोग ट्वीट भी करते हैं तो ट्वीट पर केवल जो है उधर से रिप्लाई केवल यही आता है कि आपकी समस्या का समाधान किया जा रहा है, लेकिन समाधान किस तरीके से हो रहा है सब लोगों को पता है। स्थिति जो है पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ मेरठ की भी यही है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके से जो बिजली कटौती की समस्या से सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? आप सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए और क्या समस्या आ रही है। मेरा नाम सुरेश यादव है जी। हाँ सुरेश जी, क्या समस्या आ रही है? देख रहे हैं बिजली लगातार झटके पर झटके दे रही है, आम जनता को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा। लाइट तो बहुत कम ही आ रही है, आठ घंटे लाइट आ रही है, चौबीस घंटे में मिला के। हाँ, हर आधे घंटे पे कट मार रहे हैं, घंटे दो दो घंटे तीन तीन घंटे गायब हो जा रही है, पूरी रात जो है झटके गुजारना पड़ रहा है, मच्छर उपर से परेशान कर रहे हैं। ठीक है, कोई अधिकारी को सुनने को तैयार भी नहीं है। उधर सरकार दावा कर रही है कि 16 घंटे और 24 घंटे बिजली मिलेगी। ये बड़ी बात है, देखिए बड़ी बात ये है कि जब सरकार प्रदेश में आई थी तो बड़े दावे किए गए थे बिजली को लेकर, 24 घंटे के बड़े दावे किए गए थे, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली देने की बात की गई थी, लेकिन हकीकत तो कुछ और नजर आ रही है। सर बिल्कुल भी कोई कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, सरकार भी इस समय पता नहीं कहां मस्त है। तो लग रहा है सरकार चुनाव में मस्त है, आम जनता को भूल गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ दिन बाद सीट आने पे हमें लग रहा है कि और भी भूल जाएगी, तो अच्छा, बचा हुआ है। अच्छा, और समस्या का सामना करना पड़ेगा जनता को। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, रात भर जगना पड़ेगा बिल्कुल। अच्छा सर, रात भर जगना पड़ेगा बिल्कुल। अच्छा, अधिकारियों से शिकायत करी आप लोगों ने? बहुत शिकायतें किया, लेकिन कहाँ तक शिकायत करें जब कोई कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। बताओ जी क्या करें, हम लोग गरीब आदमी है, पूरी रात जाके काटना पड़ रहा, दिन में मजदूरी करना पड़ रहा, नौकरी करते हैं, तो बड़ी समस्या है। भीषण गर्मी भी पड़ रही है, गर्मी तो इतनी है जी, कुछ मत बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा, तब क्या करें, किसी तरह समय काट रहे हैं हम लोग। हाँ देखिए विशाल जी, आम जनता थी बता रहे थे किस तरीके से जो बिजली कटौती की समस्या से सामना करना पड़ रहा है, और पूरी रात जो है जागकर काटनी पड़ रही है, वही दिन में जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है उससे भी इन्हें दो चार होता जो ये लोग जो है नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए बिजली कटौती का ये हाल मेरठ का नहीं है, मेरठ के तमाम पूरे प्रदेश में, चाहे ग्रामीण, ये तो पूरे प्रदेश में। अभी मनीष पांडे रहे यूपी के, जो उन्होंने भी ये बात बताई, दिक्कत तो है भाई, क्योंकि आप अब जनता कह रही है कि रात में मच्छर काट रहा है, डेंगू का उसको डर है, व्यापारी वर्ग से अगर इनका बिजली से काम होता होगा तो अगर वो भी बिजली भी नहीं आ रही तो व्यापार भी नहीं चल रहा है, तबीयत खराब होने का भी डर है। अनिल मीणा संवाददाता बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं, अनिल मीणा के पास चलेंगे। अनिल, अभी आप लोगों से बात कर रहे थे और उन्होंने जिस तरीके से जो दिक्कतें बताई कि अभी भी आप उन लोगों के बीच में हैं, तो उनसे बात करिए अनिल। देखिए
देखिए बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में लाइट को लेकर काफी समस्या है। समस्या की अगर बात करें, जनता को चाहे घरों की समस्या हो या किसानों को फसलों की समस्या हो, लगातार जनता पूरी तरह से परेशान है। और देखिए मेरे साथ जो पीछे जनता भी देखी जा रही है, तो सभी लोग इसी तरह से परेशान है, क्योंकि सभी लोगों को जो कहना है, ये कहना है कि फसलें, तमाम फसलें सूख रही है। अधिकारियों की बात करें, बिजली विभाग के अधिकारी आंखों में पट्टी बांधे हुए हैं, किसी अधिकारी फोन उठाने को कोई तैयार नहीं है। जनता पूरी तरह से परेशान है और जनता देखिए लगातार मेरे साथ है, हम बात करते हैं। क्या नाम है दादा? हेमंत कुमार। अच्छा, बिजली को लेकर किस तरह की समस्या आ रही है? बिजली चल गई ना दो मिनट बाद और लाइन जर्जर हो रही है, लाइट 24 घंटा में 3 घंटा आ रही है मुश्किल से। अच्छा, जब प्रदेश में सरकार आई थी तो सरकार ने बड़े वादे किए थे किसानों से, जनता से, कि बिजली 24 घंटे दी जाएगी। क्या लगता है कि आपको बिजली दी जा रही है? सरकार के सारे वादे खोखले हैं, मोदी सरकार है। अच्छा, जिस तरह से फसलों को भी देख रहा है, बुलंदशहर जो होता है ग्रामीण क्षेत्र है, और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर फसलें होती हैं, फसलें को किस तरह से आप पाल रहे हो? जैसे नहीं आती तो क्या इंजन की व्यवस्था करते हो, या बच्चों को जिस तरह से घर में परेशानी आती है तो उस समय किस तरह की परेशानी है? इंजन के द्वारा पाली जा रही है फसल, इंजन से। बिजली के तो भरोसा ही ना, राम भरोसे है बस। घर में रात को अपने हाथ के पंखा से हिला हिला के गुजर कर रहे हैं लोग, या सोलर पैनल है वो लोग पंखा में रह रहे हैं। अच्छा, कभी अधिकारियों से शिकायत की? अधिकारी ये फोन पे क्या? कोई फोन ना उठा, किसी का भी ना उठा। अच्छा, फोन देखिए, मेरे साथ एक दादा मौजूद है जो ज्यादा बीमार भी है। ऐसा बीमार हूँ, कम से कम 4-5 महीना से बिजली देख नहीं आ रहा, और 10 रुपये मक्का सूख गई मेरी, और बालक है यहाँ गर्मी मर रहे हैं, पंखा चला चला बाब रहे हैं। तो दादा किस तरह से घर में परेशानी आ रही है? परेशानी सबरे बीमार है, मैं बीमार हूँ, दवाई चल रही है मेरी। ये सरकार जन क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, कैसे नौके दिए, पब्लिक को ये हो रहा है कि ये हो रहा है, कुछ नहीं है, उनका परेशान। देखिए मेरे साथ एक, हाँ दादा, किस तरह की समस्या आ रही है बिजली को लेकर? समस्या आ रही है, परेशान है लाइट से। किस तरह से परेशान है? जैसे कि फसलों की बात को ले, जैसे बच्चे बीमार है या उनको ले आ रहे हैं, खेती बाड़ी पानी चाहिए, फसल सूख रही है, बात तो दुखी है, कोई अधिकारी सुनने को राजी नहीं है। अच्छा, ऊर्जा मंत्री तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम 24 घंटे किसानों को बिजली मुहैया करा रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि बिजली किसानों को बिजली फ्री दे रहे हैं, जो जब चुनाव हुए थे 2022 में, जो चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में योगी सरकार किसी द्वारा, तो उसने ये कहा था कि किसानों को बिजली फ्री दी जाएगी, बिजली 24 घंटे दी जाएगी। क्या आ रही है, लगता है आपको? सब कुछ फ्री ना है, सब कुछ तो धन्यवादी है, कुछ ऐसा ना है, बिल्कुल तगड़ा बिल आ रहा है, घरेलू बिल है, परेशान है, बिल पकना पड़ रहा है। अच्छा, लगता है कि बिजली को लेकर किसान पूरी तरह से या जनता पूरी तरह से परेशान है, आप दुखी है। देखिए मेरे साथ और भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है दादा? जब बिजली का मामला तो बहुत ज्यादा खराब है, आप ये मान लीजिए कि किसान तो किसान, हर आदमी परेशान, गांव में देखने को मिलता है कि 10 मिनट लाइट आई और तुरंत कट जाती है, खेत भरने के लिए पड़ा है, सूख रहा है, अब लाइट हर समय काटी जा रही है, क्या है बताइए। एक तरफ तो कहते हैं लाइट हम अच्छी दे रहे हैं, और इधर लाइट है नहीं। अच्छा, जब चुनावी मुद्दा होता है, चुनाव आते हैं तो जनता के लिए लुभाने वादे किए जाते हैं कि हम 24 घंटे लाइट देंगे, जनता को फ्री बिजली देंगे, क्या लगता है तुमको ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक हमें कुछ नहीं, कहां फ्री की चल रही है, फ्री के नाम पे लाइट और काटी जा रही है, बिजली काटी हो जा रही है, कुछ है ही नहीं। अधिकारियों को, जब अधिकारियों को फोन करते हो तो क्या अधिकारियों को फोन उठता है? वो तो फोन उठ गया नहीं उठा तो बस। कितने घंटे लाइट आ रही है अनिल, ये भी पूछे, कितने घंटे बिजली मिल रही है लोगों को? लाइट लगभग 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे ज्यादा वो भी कट पिट के आ पाती है, वो भी ये नहीं है कि एक साथ लाइट आ जाए, एक साथ आए तो कहीं काम चले। अच्छा, बाकी और जो लोग हैं उनका कहना है 3-4 घंटे लाइट आ रही है, आपके क्षेत्र में इतनी ज्यादा? हमारे यहाँ, हमारे यहाँ कट पिट जाए, आप क्या कहोगे दादा? बिजली तो ऊपर है, जितनी भी ये बिजली दे रहे हैं उसका नॉन स्टॉप बिजली को दें, और सबसे बड़ी समस्या जो है कि वोल्टेज सही आने चाहिए, चाहे जितनी इनकी कम बिजली आ रही है वो आती रहे, लेकिन वोल्टेज सही आए, जिससे कम से कम हमारी खेतों की भराई तो समय से हो सके। अच्छा, देखा जा रहा है जिस तरह से पक्के जो मकान है, और जब रात को उसमें घर में घुसते हैं तो एक तरह से ऐसा लगता है जैसे तपन, तो उसमें किस तरह बिना बिजली के किस तरह से बच्चों को आप उसमें रखते हैं? देखो, बच्चों के लिए तो इतनी बड़ी दिक्कत है कि छतों पे भी जाते हैं तो छत पे भी गर्म, और 45-44 जब डिग्री टेम्परेचर है तो हर जगह गर्मी है, पक्के मकानों में तो और ज्यादा गर्मी है, तो हाथ के पंखे का ही गुजारा है, जो कितना। अच्छा, जिस तरह से जो किसानों की, जो आप लोग किसान है और फसलें जो सूख रही हैं, उसको लेकर कभी अधिकारियों से आपने बात की है, कभी शिकायत की है, तो क्या जवाब मिलता है? वो कहते हैं साहब जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा, हम लग रहे हैं करा रहे हैं, कभी कभी तो फोन ही नहीं उठता उनका, लेकिन अब तो ये है कि डीजल पंप सेट के द्वारा ही भराई चल रही है, बिजली पर आ सकते हैं।
अच्छा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब दोबारा सरकार आई थी उन्होंने कहा 24 घंटे लाइट देंगे, ऊर्जा मंत्री जो AK शर्मा उन्होंने भी कहा था कि किसानों को किसी तरह से बिजली के लिए परेशानी किया जाएगा, लेकिन देखा जा रहा है कि अब किसान तभी परेशान है, क्या कर रहा? तो मुख्यमंत्री जी ने तो घोषणा की थी, मुख्यमंत्री जी सही काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो है कोई मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल, लगातार लोग भी ये चीज कह रहे हैं कि अधिकारियों को लेकर अनिल बात है, अधिकारी अभी भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, जिससे जो किसान वर्ग है उसमें भी कहीं ना कहीं आक्रोश होता है और वो परेशान होता है। राहुल मिश्रा मेरा संवाददाता प्रयागराज बने हुए हैं। राहुल, प्रयागराज की स्थिति क्या है, प्रयागराज में किस तरीके से बिजली की जो समस्या है और कैसे लोग अधिकारियों के पास पहुँच भी पा रहे हैं, नहीं कि सिर्फ सोशल मीडिया पर ही बयान चल रहे हैं? जी, आपने सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात बोली कि सोशल मीडिया, सोशल मीडिया ऐसा है कि अगर वो खाना खाने बैठे तब भी फोटो खींच के भेज देते हैं, चार आदमी खड़ा करवा प्रचार चालू हो गया कि हम प्रचार कर रहे हैं, बिजली का मीटर ऐसा लगा हुआ है। आ जाता है कनेक्शन, मतलब उसमें कनेक्शन नहीं होता लेकिन बिल उनका ऑटोमेटिक आ जाता है कि बिल आ गया महोदय। यही सब बातों को लेकर जनता परेशान है, ट्राई ट्राई कर रही है, ऊपर वाला कार बरसा रहा है, नीचे जो अधिकारी है वो भी कार बरसा रहे हैं, वो तो खुद ऐसे रहते हैं, तो दिन के लिए ऐसी से उन्हें बाहर निकाल के धूप में लाया जाए तो ऐसे दशा होगी जैसे जनता के यहाँ बैठी है और विचार बना रही है कि कब आएगी महोदय लाइट। लाइट से परेशान ट्राई ट्राई कर रही है, क्या रहा भाई साहब लाइट क्या दिक्कत है, लाइट दिक्कत है कि नहीं? लाइट की दिक्कत क्या है, लाइट आती है आती है आती नहीं, और आती है तो एकदम लो वोल्टेज रहता है, फ्लक्चुएशन होता रहता है, कई बार लाइन मैन से कहा गया पर उसको समझ ही नहीं आया कि हम करें क्या। मतलब जो बिजली के बिजली विभाग के अधिकारी जो सरकारी तनख्वाह लेते हैं, सरकारी सैलरी मिलती है और बढ़िया व्यवस्था है, उन्हें पता ही नहीं कैसे क्या करना है, वो घर में पता नहीं है, ऑफिस से नहीं निकला जाते, गर्मी ज्यादा है ना सिर्फ। अच्छा गर्मी का असर है उनपे, गर्मी का असर, पैसे गर्मी और सत्ता की गर्मी। अच्छा पैसे गर्मी सत्ता गर्मी प्लस उसके बाद मनी राम मनी की गर्मी ना, क्या दादाजी लाइट वोट व्यवस्था रहती है? नहीं, लाइट बिल्कुल नहीं रहती, कभी। अच्छा जो बिजली विभाग वाले आते हैं जैसे गिर जाता खम्बा उम्बा टूटा रहता है और बनाने आते हैं कि नहीं आते अपनी? 100 बार देखे, यहाँ पर जो चुनावी माहौल है गर्मी गर्मा है खूब बढ़िया से है, पर लेकिन आज के डेट जो है आज का माहौल क्या है, लाइट जनता परेशान है, बच्चे बीमार है, बच्चों को छुट्टी पड़ चुकी है, सब ट्राई ट्राई कर रहे हैं। भैया क्या हाल है भैया, गर्मी क्या असर है? गर्मी बहुत है, लाइट की व्यवस्था है कि नहीं है, लेकिन दोपहर में लाइट का बहुत प्रॉब्लम है। और रात को? रात को भी वही सिचुएशन, रात का भी वही दिक्कत है, दिन में वही दिक्कत है, मतलब त्राटरा ही है, बिजली विभाग वाले सुनते हैं ही नहीं है, उनके लिए सारी व्यवस्था सरकार ने दी रखी है, वही कर्मचारी है उनके नाम के है, लेकिन यहाँ पर आप लोग कोई व्यवस्था नाम चीज नहीं है, ना के बराबर ना है जी। देखिए ये जनता जनार्दन होती है, इन्हीं के मत से सरकार बनती है, चाहे बसपा हो चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो और चाहे BJP हो, लेकिन सब यही परेशान है। क्या है गर्मी की क्या कैसा आज चल रहा है? बहुत दिक्कत है, ऐसा लाइट कट गया था तो व्याकुल हो गया था लड़का के लिए, तार पर गिर गया, फिर आज 3-4 दिन तो बिजली कर्मचारी देखा नहीं आवा था। कौन से गांव का मामला है? पौसिया दुबे। पौसिया दुबे ये मेजा रोड पड़ता है कि आस पास HCM कौन करते हैं? मेजा रोड, मेजा के मेजा रोड HCM की कहानी है ये कि कोई बनाने नहीं आता, कोई सुनने वाला नहीं, गर्मी में सब परेशान है, बिल्कुल बिल्कुल बेहोश हो जा रहे हैं लड़के बच्चे, इतना गर्मी है, लेकिन यहाँ कोई भी सुनने वाला नहीं है, कोई अधिकारी, कोई अधिकारी के पास गए आप लोग कभी? 3 बार शिकायत किया भाई, कोई नहीं है, तारों कहीं झटक गया था, बनता है छोटे मोटे कर्मचारी बिना पैसा ले फीस वगैरह नहीं मांगते, पैसा मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। राहुल ये पूछे कितने घंटे बिजली मिल रही है, बड़ा सवाल तो ये भी है कि भाई बिजली आ कितने घंटे रही है, सबसे बड़ी बात है लाइट के, लाइट कितने घंटे रहती है आपके यहाँ? लाइट मतलब की 24 घंटे 12-14 घंटा टोटल मिला के रहती है, 12-14 घंटे 12-14 घंटे लाइट बताया जा रहा है कि 12-14 घंटे लाइट रहती है, जहाँ पर जनार्दन होती है सबको चुनती है, सबको कहती है कि तुम कुर्सी लोगे प्रभु लेके बैठोगे, लेकिन आज वही जनता ट्राई ट्राई कर रही है, एक टाइम ऐसा होता है कि जाते भी है प्रचार भी करते हैं और उसके बाद क्या होता है उन्हें
लाइट नहीं मिलती, लाइट के बाद बाद पानी भी नहीं मिलता, कहीं ना कहीं जल समस्या है जो पानी है, पानी भी नहीं मिलता। जनता यहाँ त्राश त्राश कर रही है, सुनने वाले अधिकारी है, खुद तो एसी में रहते हैं, एसी में घर एसी, गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, एसी उन्हें तीनों जगह बरामद होती है, लेकिन चौखट पे जो निकले, जो बाहर निकले, जो धूप में निकले, सब मालूम चले जनता कैसे परेशान होती है, जब उनके लिए भी ऐसा सुविधा। बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से अधिकारी रह रहे हैं वहां पर बिजली विभाग के लोग हैं, वैसे ही और लोगों को भी, आम जनता को भी देखना चाहिए। राजू शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए मेरठ से। पश्चिमी यूपी में बड़ा मुद्दा बिजली रहती है, किसान वर्ग है, किसानों को लेकर क्या चीजें हैं, किसान कैसे कार्य करते हैं जब बिजली की इतनी समस्या होती। राजू बिल्कुल देखिए विशाल, आम जनता के साथ साथ किसान भी जो बिजली कटौती की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं, बड़ी समस्या का उनको सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि किसान को सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब वो अपने खेतों में पानी डालने के लिए पहुंचता है और पता चलता है कि बिजली अब दो दिन नहीं आने वाली है, अब जो है बिजली 5 घंटे तक नहीं आने वाली है, तो उस समय किसान को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, उससे उसकी जो खेती है वो भी प्रभावित होती है और उसके साथ साथ उसके जो घरेलू समस्या है उसमें भी उसे बड़े समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसान के साथ साथ जो आम जनमानस है उसे भी बिजली कटौती की समस्या से लगातार सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी पड़ रही है और उसके बाद जब बिजली कटौती होती है तो कहीं ना कहीं दोहरी जो मार है वो आम जनता पर भी पड़ती है और किसान पर भी पड़ती है। बड़े बड़े जो दावे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर किए गए थे, उत्तर प्रदेश में पूरी जो है 24 घंटे बिजली देने के बड़े दावे, जो ऊर्जा मंत्री है AK शर्मा, ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर बड़े दावे किए थे कि अब जो हमारी सरकार है 24 घंटे बिजली देने का जो काम है वो आम जनता को करेगी, लेकिन हकीकत क्या है वो अब साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अब गर्मी का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है और अभी आने वाले दिनों में और भी भीषण गर्मी पड़ने वाली है, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिजली कटौती किस तरीके से आम जनता को अब परेशान करने वाली है। हकीकत यह है कि आम जनता को पूरी रात जग कर जो है छतों पर काटनी पड़ रही है, क्योंकि जो बिजली है वो या तो आ नहीं रही, अगर आ रही है तो उसकी जो वोल्टेज है वो बहुत कम आ रही है, जिसकी वजह से जो कूलर और पंखे जो चीजें जो चलनी चाहिए थे विद्युत उपकरण वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से जो उन्हें भीषण गर्मी में जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बड़े बड़े दावे करने के बाद भी सरकार कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है और जो जिम्मेदार अधिकारी है जिनके कंधों पर जिम्मा है बिजली आपूर्ति करने का, उनके फोन तक नहीं उठ पाते। विशाल, हम खुद कई बार जो है ट्राई कर चुके हैं विद्युत अधिकारियों के नंबर, उनसे समस्या जानने के लिए कि आखिर क्या समस्या है, लेकिन हकीकत यह है कि नंबर जब मिलाए जाते हैं या तो उठते नहीं है या फिर वो नंबर बंद नजर आते हैं। खुद MD PVNL जो ईशा दोन है उन्होंने नहीं है, और आप फोन करेंगे एक दो बार अगर आप कॉल गए, जब से कॉल सेंटर की सुविधाएं आ गई हैं तब से मुझे लगता है कि पूरी चीजें बिगड़ गई। बहुत बहुत शुक्रिया राजू, बहुत बहुत शुक्रिया।